देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ी सैंडविच बन के रेडी हैं और ये देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कैसे होंगे। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के। और ये कैसे तैयार हुए हैं इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीजी। तो आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी, वो है चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत कम चीज़ों के साथ बनते हैं। तो चलें जी करते हैं रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए मैंने ले ली हैं 6 ब्रेड की स्लाइस, फ्रेश ब्रेड हो, एक कटोरी भर के चीज़ ले ली है, थोड़ी सी बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है और थोड़ी सी 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ियाँ ये सारी ऑप्शनल हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये अपनी मर्ज़ी पे जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी ये ऐड कर रही हूँ और इसमें मसाला जात तो बहुत ही कम है, सिर्फ काली मिर्च और नमक। इनके साथ हम लोग ये बड़े मज़े के सैंडविच बनाएंगे जो बहुत जल्दी बन जाएंगे। चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई या पैन जो भी आपके पास आसानी से है वो चूल्हे पर रख लें। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा, बहुत ही कम। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बंद गोभी डालते हैं। एक मिनट अच्छे से बंद गोभी को फ्राई कर लें हल्की आंच पे। तो फिर इसमें गाजर, शिमला मिर्च और प्याज और सब्ज़ मिर्ची, सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर दें। अच्छे से बर्तनों को साफ करें, ये हमारा रिज़्क़ है और ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। और इसमें मसाले सिर्फ थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड करनी है, या फिर नमक मिर्च आपकी अपनी मर्ज़ी है, कि स्पाइसेस आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने क्या क्या ऐड करने हैं, कितने ही रखने हैं। मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक ही ऐड किया है। वो सब्ज़ियों को हमने ज़्यादा कुक भी नहीं करना, ये सॉफ्ट ना हो, बस ये ऐसे ही हल्की सी फ्राई होकर ना क्रंची सी हो जाए। फ्लेवर के लिए आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर लेंगे तो इससे भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी बस। एक मिनट और मज़ीद फ्राई कर लें और ये सब्ज़ियों को उतार लें चूल्हे से। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, कलरफुल सी सब्ज़ियाँ हमारी क्रंची सी फ्राई हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इनको निकाल के किसी बाउल में डाल लें। अब एक स्लाइस ले लें, उसके नीचे थोड़ी सी ये ग्रेट की हुई मज़ेदार चीज़ ऐड कर लें। बिस्मिल्लाह, इसमें आप चिकन भी ऐड कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं बना रही हूँ आज वेजिटेबल। इसके बाद थोड़ी सी और ग्रेट की हुई चीज़ और ये स्लाइस ऊपर वापस रख दें और इसको दबा दें हल्का सा। और एक तवा या पैन और चूल्हे पे रख के उसको हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीसी कर लें, हल्का सा, तवा हो चाहे पैन हो। बिस्मिल्लाह, अब ये तवे पे या पैन जो भी आपके पास है ना आसानी से उसके ऊपर ये रख दें। तब तक मैं दूसरा भी तैयार कर लूँ। फिर एक स्लाइस लिया, थोड़ी सी चीज़ डाली पहले ऊपर, थोड़ी सी बेस पे लगा दें। किनारे लाजमी थोड़े फिल कीजिएगा।
और उसके बाद दूसरा स्लाइस ऊपर रख दें। तकरीबन एक मिनट के बाद बिस्मिल्लाह हल्का सा इसको टर्न कर लें और साथ ही दूसरा रख दें। एक मिनट के बाद दूसरी साइड भी देख लें। एक एक मिनट के बाद ना इनकी साइडें चेंज कर लें। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों से अच्छे से सिक्के तैयार हो गए। बिस्मिल्लाह अब मैं ये दूसरा तीसरा भी रख दूँ। बिस्मिल्लाह चलिए अभी आपको मैं कटिंग करके दिखा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी सारे रेडी हो गए। बिस्मिल्लाह देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच बन के तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। ये इतनी सारी वीडियो ये इतनी सारी रेसिपियाँ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो देखिए प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बत होगी और मेरी हौसला अफजाई होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की चटपटी सी कोई ना कोई नई रेसिपी लेके आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम YouTube फैमिली को अपने ज़ुमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।